गर्दू वैसे तो अनगिनत खूबसूरतियों और दिलचस्पियों का मुरक्का है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बाके केटू, नांगा पर्वत और राका पोशी जैसे अहम पहाड़ी सिलसिले इसकी आलमी शोहरत का बायस हैं। स्कर्दू में वाके देवसाई सियाहत का अहम तरीन मरकज है। देवसाई दुनिया का दूसरा बड़ा सतह मुर्तफा सिलसिला है, जो सतह समंदर से 4,114 मीटर की बुलंदी पर वाके है। 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले देवसाई नेशनल पार्क में जंगली हयात, जानवर और इर्द गिर्द खुले मैदानों में फैली हरियाली फितरत से प्यार करने वालों के लिए कुदरत का अजीम तोहफा है। देवसाई में सर्ब फलक पहाड़ों के झुरमट में वाके श्योसर लेक इंतहाई जाजिबे नजर झील है। यहाँ वाके काला पानी का नजारा भी अछूता तजुर्बा है। सयाह यहाँ आकर कुदरत की जलवांगेजियों के शहर में खो जाते हैं। स्कर्दू की इनफरादियत यहाँ मौजूद दुनिया के सबसे बुलंद कोल डेजर्ट हैं, जिनको कटपाना और सफरंगा के नामों से जाना जाता है। हैरान कुन जाज़बियत के हामिल ये सहरा सयाहों को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। सफरंगा डेजर्ट में मोटरसाइकिल और जीप रैली के इंतहाई मौजू ट्रैक्स हैं। सयाह यहाँ आकर बाइकिंग से भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। सफरंगा में गुरूब आफ्ताब के वक्त डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी का अतराफ में फैला नजारा माहौल में अजीब कैफियत पैदा कर देता है। सफरंगा डेजर्ट के बीच मौजूद अजीमुशान बाबे शिगर वैली में दाखिले के लिए आपका इस्तकबाल करता है। शिगर वैली की खास बात यहाँ का शिगर फोर्ट है, जिसे तारीखी अहमियत हासिल है। ये कला शाहाना तर्ज जिंदगी के हामिल राजाओं के शौक और जमालियाती एहसासात का गमास है। इस कला को सयाहों की दिलचस्पी का हामिल बनाने के लिए यहाँ एक म्यूजियम कायम किया गया है, जिसमें सदियों पुराने निवादिरात सयाहों की तवज्जो के हामिल बनते हैं।